Are we on? All right. तो क्या हो रहा है आजकल जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए जिंदगी कैसी चल रही है

तो <coughs> ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बट ये कि इट्स एग्जॉस्टिंग बट कंपेयर टू व्हाट द मदर गोस थ्रू एंड यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस के इट्स नॉट इजी एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह व अलहमद लाला सुबहान तमेजिंग प्रोसेस रखा हुआ है फॉर प्यूरिफिकेशन एंड एट द सेम टाइम अल्लाह व तआला की इस हकीकत को जानने के लिए एट द सेम टाइम जिम्मेदारी डर भी लगता है अपने आप पे से डर लगता है क्या जिम्मेदारी ने बट बढ़ी है अलहमदिल्ला जिसने दिया है इनशाला वो भी वसायल और तोफ़ी देने वाला है इनशा तो असल आर लाइव क्या हाल चाल हैं आप लोगों के एंड वेलकम बैक टू आवर फ्राइडे नाइट शो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं का आप सबकी पार्टिसिपेशन का आप सबका शो में शामिल होने का और आपके इन फीडबैक्स की वजह से हम Uh, चाहे कितने थके हुए हों चाहे कितने बिजी हों uh, दावा शुड ऑलवेज गो ऑन जो दिन की बात है वो होती रहे आज का टॉपिक अगर किसी को समय में अभी तक नहीं आया तो उसके बारे में बात करते चले और इसका बेसिक रीज़न रखने का ये था कि मैंने एक एटीट्यूड uh, देखा है एंड जस्ट टू बी एबल टू पॉइंट आउट बात करता रहा हूँ आई हैव नथिंग अगेंस्ट क्रिकेट मेरा क्रिकेट से कुछ मसला नहीं है क्रिकेट के शौक रखने वालों की बात ही इनफैक्ट जो लोग मुझे आ, मेरी बचपने से या मेरी स्कूल लाइफ से जानते हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि मैंने एक अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेली है टू दस टू सर्टेन डिग्री के स्पोर्ट्स सेक्शन डॉन जैसे अखबार में आ, तस्वीर आने का भी मामला रहा है अलहमद टू अ वेरी गुड लेवल बट जो एक रवैया है पूरी एक कॉम का कि हम बढ़ जाते हैं हम चीज़ों में खेल को हद से ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं और चाहे हमारे अपने ही मुसलमान भाई और बहन हों उसमें हम एक अजीब रवैया अख्तियार कर लेते हैं एंड एट टाइम्स हम शायद लिमिट से आगे बढ़ जाते हैं एट द सेम टाइम आप पड़ोसी मुल्क का मामला देखते हैं कि एक ऐसी नफ़रत एक ऐसी आ, कुछ लोग मैं सबकी बात नहीं कर रहा एक ऐसा रवैया अख्तियार हो जाता है कि आपको सामने है कि एक स्कूल टीचर को मजाक या सीरियस होने की बजाय वॉट एवर द केस उनको आ, नौकरी से निकाल दिया गया पाकिस्तान के लिए अप करने के लिए इसी तरह से उनको अरेस्ट कर दिया गया बाद में इसी तरह से जो ऑक्यूपाइड कश्मीर ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर आ, के जो लोग हैं उन्होंने अगर पाकिस्तान के मुताल कोई ख़ुशी जाहिर की तो उसके ऊपर पाबंदी उसके ऊपर उनके ऊपर गद्दार या इस तरह की बातें हैं आई थिंक ओवरऑल बिकॉज मैं एक uh, पाकिस्तानी की हैसीत से बात नहीं कर रहा मैं ओवरऑल एक दाई की हैसियत से बात कर रहा हूँ रिप्रेजेंटिंग इस्लाम और मैं देखता हूँ कि बांग्लादेश के साथ हो रहा है अफगानिस्तान के साथ हो रहा है एक अन्य अजीब एटीट्यूड है हमारा एंड uh, हम खेल को कभी कभार इतना सीरियसली ले, ले लेते हैं कि उस पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर बहस शुरू हो जाती है और हम कभी कभार रिलीजन को मिसयूज़ करते हैं जैसे आपके सामने है आ, और एक हमने एक ऐसी बात कर दी ठीक है हमारे प्लेयर्स ने नमाजें पढ़ी वेरी गुड इट वॉज गुड टू सी दैट एक दावत का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है बट हमने बहुत ही अनरियलिस्टिक हो जाते हैं जज्बात में आके इमोशनल होके हमारे हमें, हमें कामयाबी इसीलिए मिली क्योंकि हम नमाज पढ़ रहे थे तो क्या पहले जितना हार रहे थे क्या नमाजें नहीं पढ़ रहे थे लोग देखिए ठीक है अल्लाह ताला की तरफ से आई इसमें कोई बात नहीं है एंड डोंट गेट मी रॉन्ग के ये हर चीज़ का एक अच्छा पहलू भी होता है और लेकिन हमने जो है कभी कभार इमोशनल हो के हम बहुत सी चीज चीज़ों के ऊपर शायद एक्सट्रीम पे चले जाते हैं जहाँ पे जाने का मौका नहीं मिलता एक स्पोर्ट्स मैन ने बहुत ही नेशनल हीरो ने कह दिया कि ये तो हिंदुओं के सामने एक बात थी ठीक है उनकी इंटेंशन नहीं थी बट ये कि ऑन ऑपोजिट साइड भी एक रवैया होता है बट समाउ दी अदर माई पॉइंट इज के सम हाउ स्पोर्ट्स के चक्कर में हम आपस में बढ़ जाते हैं और एट द सेम टाइम हमारी पूरी कॉम डिस्ट्रैक्टेड रहती है असल मकसद से हमारी प्रायोरिटीज़ एज अ मुस्लिम मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ जिस ज़माने में आप के पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ बड़ी खुशियाँ हो रही थी दिल्ली तौर पे मुझे भी बड़ी खुशी है क्योंकि मैं मैच इतना बैठ के नहीं देखता एंड में हाइलाइट्स देख ली मेरी आंखों के सामने से एक वीडियो गुजरा मेरी आंखों के सामने से वीडियो गुजरा और एक माँ थी कबर को पकड़ी हुई थी अपने बच्चे की अपने शहीद बच्चे की फलस्तीन की और इसराइल उस पूरी ग्रेवियार्ड के ऊपर ट्रैक्टर चला रहे थे और वो माँ दोनों हाथों से अपने बच्चे की कबर को पकड़ी हुई थी और तीन चार इसराइली पुलिस वाले उसके हाथ को छुड़ा रहे थे उस माँ के अंदर जो ताकत आ रही थी उस कबर को पकड़ने के लिए कि दो लोग उसका हाथ छोड़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसने उस एंगल से पकड़ा हुआ है और वो रो रही है और बेबस है और वो खींच रहे हैं उसके बेटे की कबर से दूर कर रहे हैं उसको ताकि वो उसके ऊपर ट्रैक्टर चला सके ताकि उसके ऊपर एक थीम पार्क बन सके मैं ये बात मानता हूं कि हम बेबस हैं हम बहुत सी चीजों की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते लेकिन इश्यू यहां पर यह है कि एट द एंड ऑफ द डे उस माँ ने क्यामत के दिन आपसे मुझसे पूछ लिया कि मैं अलोंग विद अदर पीपल व सफरिंग व सफरिंग हम मुश्किल से गुजर रहे थे आप क्या कर रहे थे आप किस कोशिश में लगे हुए थे एंड uh, आपकी खेल कूद में देखिए एक लाभ है खेल कूद जिसकी इजाजत है जिसका एक बेनिफिट है एक लाभ है लगे हुए हैं फजूल की डिस्कशंस हो रही हैं Uh, मेरे अब्बू आएंगे और मीम्स बन रही हैं और इस तरह की चीजें बन रही हैं ठीक है हंसी आती है मजाक सब कुछ करते हैं बट मैं ऑन अ वेरी सीरियस लेवल ये बात कर रहा हूँ ठीक है हो सकता है मेरी बातों को बहुत बुरा लगे लोगों को कुछ लोगों को क्या और मेरी बातों ने देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेट देखना हराम है दिस इज नॉट माई जॉब बट मैं प्रायोरिटीज की बात कर रहा हूँ मैं उस जिंदगी की ऑब्जेक्टिव की बात पूरे कॉम एक, एक खेल कूद में डिस्ट्रैक्टेड रहे जिस तरह से आपके रोमन्स एक बिजी रखते थे खेल कूद में सीरियस इशू से दूर रहते थे और एट दी एंड ऑफ द डे हमारे पास उस तरह के पेटू पेटी इशीज़ आ जा जाते हैं जिसकी में हम इन्वॉल्व रहते हैं और डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं रियल इशूज से मे uh, भी शायद मैं इस बात को बहुत इमोशनली तौर पर ले रहा हूँ इसलिए मैंने आज की बात की रिलीजियस एंड नेशनलिज्म के हम uh, uh, आज अफग़ानिस्तान के साथ मैच था और मेरे घर में खुद देखा जा रहा था और मेरे वाले बड़े जज्बात से देख रहे थे उन्होंने बोला कैच ड्रॉप कर दिया ये कर दिया हम लाइक ठीक है हो गया यहाँ बैठ के बोलना बहुत आसान है वी शुड अपलॉड आर क्रिकेटर्स फॉर बींग एबल टू गिव अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बट एट द सेम टाइम हमें जो चीज़ जोड़ती है वो ईमान है हमें जो जिस चीज़ जोड़ती है वो ईमान है और अल्लाह सुबहाना माल ने हमारे लिए मदद रखी हुई है जब हम कमज़ोरों की मदद करते हैं हम कमज़ोरों को अगर भूल जाते हैं और असल जो बात है मुसलमानों की मैं बात बोलता हूँ क्या हो गया तुम अल्लाह के रास्ते में कताल नहीं करते वो कताल सिचुएशन की चोर पे हम ये नहीं कह रहे कि उठ जाइए गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाइए लेकिन आपने उन मुसलमानों के बारे में के अल्लाह सुबाद का कहते हैं वमस्तदी मीना रजादान के औरतें जो कमजोर लोग हैं जो मर्दों में से हैं औरतों में से हैं बच्चों में से हैं अल्लाजीना यकूलूना जो कहते हैं कि रब्बना अखरिजना मिन हाज़िल क़रिया के नॉट जस्ट टेक दिस आउट ऑफ दिस सिटी और बस्ती बट यू नो हाज़िल क़रियत अज़ालिम के ज़ालिम जो बस्ती है से हमें अल्लाह ताला निजात दे दे क्योंकि वो कमज़ोर हैं और बाकी जो मुसलमान हैं वो उनको मदद करने के लिए कुछ नहीं करते और उसके जो लोग हैं कि अल्लाह सुबहाना तला ने मुसलमानों के लिए इम्तिहान रखा हुआ है कि अल्लाह ताला कुछ लोगों के ज़रिए उनकी उनकी सफरिंग के ज़रिए आपको आजमाएंगे कि क्या तुम्हें वो दुख होता है नहीं होता ठीक है तुम बहुत सी चीज़ों में लाचार हो तुम बहुत सी चीज़ों में मजबूर हो तुम्हारे असूल हैं दीन दीन ने तुम्हें कोई तरीका सिखाया है लेकिन अल्लाह के रसूल सल्ला वम की हदीस भी तो है कि मुसलमान उम्मत एक जिसम की मानंद है उसकी आंख को दर्द होता है तो पूरा जिसम उस दर्द को महसूस करती है पूरा जिसम डिस्टर्ब होगा हमारे अंदर ये एलिमेंट नहीं मरना चाहिए आप एंजॉय करें क्रिकेट मैं आपको मना नहीं कर रहा आप खेल कूद करें अपनी जिंदगी इंजॉय करें आप बाहर खाना खाएं लेकिन अपने अंदर ये दर्द जिंदा रखिए जो आपको कभी भी असल मकसद से दूर ना करे एंड दिस इज वाई मैं इस बात के ऊपर एम्फरसाइज कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि व्हाट इज दैट वेरी पर्पज ऑफ कीपिंग दिस टॉपिक कि हम खेल को रिलीजन ना बना दें हम खेल को बटने का ज़रिया ना बना दें हम खेल को एक दूसरों के लिए नफरत का ज़रिया ना बना दें हम एक दूसरे का मजाक उड़ाने का नीचे दिखाने का मामला ना कर दें बिकॉज देन इट बिकम समथिंग वेरी प्रॉब्लमैटिक तो आज के सेशन का बेसिक पर्पज़ ये है एज़ uh, यूजल uh, मैं बहुत लंबा चला गया हूँ और एज़ uh, मुझे तारीफ कराने की ज़रूरत नहीं है uh, आपको uh, मेरे पार्टिसिपेंट्स के बारे में पता है हमारे साथ शामिल हैं

और नए नए तरह के लोग आ रहे हैं यूथ कनेक्ट हो रही है तरह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा-ज़्यादा कर सके और आप आप लोगों लोगों की की मदद हो की मदद की होगी और और के बगैर कभी नहीं होता, ख़ैर लाइव सेशन में अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करना माशाला ठीक ठाक भाई

तो क्योंकि चाहे अपने मामले में बाप कितना बर्दाश्त कर ले और अकेले दस लोगों से लड़ ले लेकिन बेटी के मामले में जो ना थोड़ा ज़रा कमजोर हो जाता है आपका इमोशनली जरा कमजोर हो जाता है वो तकलीफ नहीं बर्दाश्त होती है उसको ऊंची आवाज में भी कोई बात करे या उसको कोई चीज़ हो तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती तो एक मामला एक है और अल्लाह को

आ, अब ये नहीं कि शो में मैं हूँ तो आपने बोल देना कि नहीं जी लेकिन क्या कहते हैं इसको आ, I'll, I'll के देखना चाहिए और कैसे लग, अगर देख रहे हैं तो उसको कैसे लेके ना करें, पता है पता है। <laughs> <laughs> नहीं देखें इसमें बहुत बो, है ना दे, देखना है तो किस हद तक देखना है और उससे लेसन क्या ले सकते हैं या Uh, हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए ऑल ऑफ दिस थिंग्स हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको ज्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें देखिए पहली चीज तो यह कि अगर हम खेल देख रहे हैं या हमारा दीन भी हमें खेल की तरफ अगर रखबत देता है तो उसके पीछे एक एक मकसद होना चाहिए कि मैं खेल क्यों देख रहा हूँ या किसी खेल का हिस्सा बन रहा हूँ तो क्यों फिटनेस एक वजह हो सकती है उसमें एक टीम वर्क एक वजह हो सकती है यूनिटी बड़ी अच्छी डेवलप होती है इन स्पोर्ट जिसमें टीम इन्वॉल्व है फिर उसमें एक डिसीजन मेकिंग एक स्पोर्ट्स मैन की फिर एक स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट के ही नेवर गिव्स अप और वो ही ही कीप्स गोइंग एंड ही ही टेक्स एवरी पासिंग मोमेंट एज एन अपर्चुनिटी जैसे कि क्रिकेट की बात कर लें तो एक बॉलर को छक्का पड़ा उसके बाद छः चांसेस हैं एक ओवर में और अगर फिफ्टी uh, ओवर्स का मैच है तो दस ओवर उसने कराने हैं तो उसके पास सिक्सटी चांसेस हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए तो हम लाइफ में भी सोच सकते हैं अगर सिक्सटी ईयर्स की एवरेज एज को लगाए तो किसी का एक साल अच्छा नहीं गुजरा दो साल अच्छे नहीं वो सोच सकता है कि आई हैव चांस जब तक मैं जिंदा हूँ और आ, ये चीज़ भी आ, है कि एक बंदा जो कि जिसने थोड़ी जिंदगी गुजारी और उसमें नेक माल किए और बहुत बड़े बड़े सपोज नेक माल किए हज कर लिया उसने सब कुछ एक लेकिन एक दूसरा बंदा जो कि इतना अमीर नहीं था हज नहीं कर सका लेकिन एक साल उसने एक्स्ट्रा गुजारा उस एक साल में उसने रमजान के रोजे भी पाए उसने अच्छे तरीके से अल्लाह की इबादत की उसने तरावियाँ पढ़ी सही से रोजे रखे जो रमजान का एक डेकोरम था उसको किया तो वो उससे हो सकता है ज्यादा नकियाँ कमा के एट दी एंड जो है वो आ, फौत हो और अल्लाह के पास जाए तो ये एक हर पासिंग डे इज़ अ चांस फॉर यू टू तो गेट बैक टू तो अल्लाह एवरी पासिंग डे इज़ अ चांस फॉर यू टू इम्प्रूव एवरी पासिंग डे इज़ अ चांस फॉर यू टू गेट ओवर वट यू है सकते हैं वो कोई बैड डिसीजन हो सकते हैं is, आपके पास एक होता है। फिर ये एक, attitude, वाला अच्छा, फिर एक और चीज हम आ, अगर इसको थोड़ा दीन की तरफ लेकर आए कि लोग कहते हैं अच्छा वजू में यहाँ तक धोए यहाँ तक धोएं तो इससे क्या यार थोड़ा सा गीला भी रह जाए और जरा ऐसा दीन में इतनी बारीकियां नहीं है हुँ. एक रन आउट का डिसीजन हो तो वो थर्ड एम्पायर की तरफ भेजें वो दस दफा उसको क्रीज से अंदर बाहर उसको बैट गिरा नहीं गिरा फिर वो उसकी तरफ लेके जाता है या अगर निक या कॉट बिहाइंड का कोई डिसीजन है तो वो जी उसमें एक्सरे विजन आ जाता है कि बैट से बॉल टच हुआ नहीं हुआ फिर वो उसमें अल्ट्राइज फिर उसमें वो साउंड को ले आते हैं कि वो बैट के टच होने की आवाज है या नहीं है और एल बी डब्ल्यू है तो पहले बैट को टच हुई और फिर बैट को टच हुई या टच नहीं हुआ और फिर वो जो उसका रीप्ले आता है वो जिसमें बॉल को देखते हैं कि विकेट को लग रही है नहीं लग रही पिच इन लाइन थी नहीं थी इतनी बारीकियां खेल में हो सकती हैं अल्लाह तो जिसका ताल्लुक इस दुनिया के साथ है और अगली दुनिया के साथ है जिसका मामला अल्लाह के साथ है आपकी आखिरत के साथ है उसके अंदर बारीकियां नहीं हो सकती और आपका थोड़ा सा भी कभी इंटरेस्ट नहीं होता कि अच्छा है नहीं नहीं, 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 नहीं तो दीन में बारीकियां खैर है अल्लाह बड़ा गफूर रही है अल्लाह ताला माफ करना तो ठीक है आप भी कहते हैं हाँ यार खैर है बड़ा अच्छा खेल रहा था इसके दो रन रह गए थे सेंचुरी करने देते हैं उसको कोई बात नहीं हक इतना तो, इतना तो हाँ बनता है, था। <laughs> था। <laughs> था। <laughs> तो है। तो कबूल नहीं है और गेम्स में और उसमें इतनी हद तक और बैठ के वेट कर रहे होते हैं बाकायदा वेट कर रहे होते हैं ना गेम स्टॉप होता है टाइम उसमें दिया जाता है सब और देखते हैं हाँ यार आउट हुआ है नहीं हुआ और उस इवन उस रिप्ले को भी कैश करवाते हैं उसके अंदर भी जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट होते हैं तो थोड़ा सा जो है ना जरा दीन के मामले में जरा हल, हाथ हल्का रखें कि ये चीजें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं इट्स ऑल अराउंड है आपने यू। उसको जरा सा इधर भी मतलब कट सम स्लैक दीन में इतनी सख्ती नहीं है दीन में इतनी जो है वो बारीकियां नहीं है है भाई इधर है तो उधर क्यों नहीं होता अच्छा खुद सीरियसली नहीं लेते ना इसलिए दीन को सीरियसली नहीं लेते तो वो चाहते हैं कि जो कर रहे हैं ना वो चल जाए कोई बताए ना आप अपने कंफर्ट जोन से फिर निकलना पड़ेगा ना सीखना पड़ेगा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आ, सीखा तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा लेकिन ये कि जहाँ तक जो चीज के बारे में है अब वहाँ पे फेस पेंटिंग करा के आ, दो घंटे पहले सीट पकड़ के एक्स्ट्रा पेमेंट करके टिकट्स ब्लैक में लेकर फुल तैयार होके पोस्टर्स बना के पहुंच जाते हैं आ, लेकिन अगर कोई नमाज के लिए तैयारी करे बाजमात जाने के लिए करे या चीजों के लिए करे तो काफी वो होता है बट देखिए क्रिकेट इन इज अ गुड स्पोर्ट बट वी नो फॉर के उसमें भी खुराफात और हर चीज़ डाल दी है मनी एक एलिमेंट है हम अगेन ऐसी बात नहीं कर रहे कि क्रिकेट जो है मना कर रहे हैं उससे या किस तरह की बात है बट हम बात करें हमारी प्रायोरिटीज हमारी सीरीज जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी की रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कैसे इन्जॉय कर सकता हूँ लाइफ को मतलब मैं कैसे इन्जॉय करूँ जब मुझे पता है के सूर फूकने वाले फरिश्ते ने आला अपने मुंह में ले लिया है और अपनी गर्दन झुका ली है और अपनी नजर को ऊपर टिका दिया है मीनिंग आप कहते हैं ना कि यू डोंट हैव टाइम जब आप हंड्रेड मीटर डैच के लिए आप रेडी होते हैं एंड योर आईज आप सेट ऑन द फिनिशिंग मार्क एंड यू नो आप आवाज आती है कि ठाक मुझे अच्छी तरह से याद है बिकॉज आई टू बी मीटर्स यू नो रेसर तो फाइनल डे पे ना houses के competition होते थे तो so, अच्छा उस वक्त शोर था तो मैंने बोला कि यार फायदा ये क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो कोच है उनकी आवाज आई या नहीं आई एंड द बिकॉज आप हंड्रेड मीटर्स में आप बिल्कुल छोटे से डिस्टेंस से जीतते हैं तो उस वक्त हम कितनी ध्यान लगा के वो करें बिकॉज वी कांट डिस्ट्रैक्ट आर सेल्फ सपोर्टर्स की वगैरह की बात पे

बात यहाँ पे ये यह हो रही है कि क्या हम फजूलियात में इस लहवियात में क्या हम पढ़ने के लिए तैयार हैं जो हमें असल चीज कितने लोग तो नमाज भी छोड़ देते हैं कितने लोग एक पड़ोसी से बाहर मुल्क में दुबई में रहते हुए मुसलमान हैं लेकिन आपस में झगड़ा हो जाए या या इस तहजाक का ऐसा मामला हो जाए कि उसको नीच दिखाने वाली बात आ जाए या उसको घर जो बाहर जाके वो स्पीकर्स लगा के उसको मजाक उड़ा दें बट वी गो टू दैट पर्टिकुलर स्टैंड टॉकिंग बट हसन वट इज योर टेक ऑन दिस जी भाई मैं ये कहना चाहूँगा जिस तरह हमारा दीन है इट्स अ कम्प्लीट वे ऑफ लाइफ कोई भी हमारे दीन में कोई भी किसी किसी भी किस्म का एलिमेंट होता है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ होता है तो इसी तरह जो हमारी ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती हैं Uh, उसकी जो बेसिक यानी गाइडलाइन कह लें uh, वो ये है कि आप कोई भी अमल हो ज़रूरी नहीं कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो उससे पहले आप एक इंटेंशन बनाते हैं ऑब्वियसली दिल में uh, कि वाई आर यू डूइंग दिस तो बेसिक आपकी इंटेंशन ये हो सकती है कि मैं अल्लाह ताला के रिवॉर्ड जाने के लिए कर रहा हूँ टू बी अस्ट्रॉग बिली बिलीवर और फिर ये कि आप खैर के कामों में हिस्सा डाल सकें बुराई से रोक सकें और इसके साथ आ, बेसिक प्रिंसिपल में ये भी चीज़ शामिल है कि कोई कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हो इस्लाम से आ, कुरान हदीस के थ्रू और इसके अलावा ऐसे भी ना हो कि वो स्पोर्ट्स की आपकी इन्वालमेंट या जो भी फिजिकल एक्टिविटी है वो उतनी उसमें आपकी इन्वालमेंट हो जाए कि आपके फ़राइज हैं या पेरेंट्स की बात मानना जो कि जो कि ऑब्लिगेशन है इट्स फर्द तो वो वो चीज़ें अफेक्ट हो रही हूँ और इसके साथ ये भी आता है कि इसमें आप बहुत ज्यादा वेल्थ का जो है इस्तेमाल ना करें टू अ पॉइंट आप एक्स्ट्रा वेगेंस में जो है वो शामिल हो जाए तो ये चीज़ है और इसके साथ साथ जो जहाँ तक कंपटीशन की बात है मैचेस होते हैं क्रिकेट में फुटबॉल में तो कंपटीशन इन इन एंड ऑफ इट सेल्फ उसमें कोई इशू नहीं है इट्स गुड लीडरशिप स्किल्स होती हैं आपकी वो डेवलप होती हैं जिसने बासिम भाई ने भी पॉइंट आउट किया लेकिन उसको उस लेवल तक ले जाना कि वो टॉक्सिक हो जाए और आप यानी पर्सनल होने लग जाएं इसके अगर हम कॉमन से एग्जाम्पल लें हमारे जो यूथ है वो बहुत सारे टूर्नामेंट्स करती है लोकली ऑर्गेनाइज करती है तो उसमें बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि आप वर्बल हो जाते हैं अब्यूज, अब्यूज करने लगते हैं आ, फिजिकल हो जाते हैं टाइम्स अच्छा तो, तो खाली ये भी नहीं है मैं अगर आपको बताऊँ क्रिकेट तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं फुटबॉल के मामले में Uh, मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत पूछना मैच देखा सर सर आपने ये देखा फना वो देखा देखा वो फुटबॉल फुटबॉल का मैच देखा। फुट के मैच बजे उठ जाएंगे के के लिए इतना क्रेज़ है।, है तो लेकिन वो नमाज पढ़ी थी शौक की गया। सर वो, सर वो, सर वो, हाँ। <laughs> बात बिल्कुल, सर रमजान रमजान प्रारीणीस जैसी मुबारक रहते हैं टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बाकायदा रातों में रात सारी जो है वो जा और वो कैसी रातें हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कैसी रातें हैं वो मतलब लूट सेल है नेकियों की लूट सेल मतलब बहाना जो है ना वो बहाना है कि अल्लाह सुभान तआला इतने जनरस हैं अल्लाह सुभान तआला जनरस हैं और उनकी जनरोसिटी रमजान में कितनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इट्स लाइक वो बहाना दे रहे होते हैं आपको कि ये बहाना ले लो और जन्नत में ये बहाना ले लो गुना माफ करवा लो ये बहाना ले लो इतनी ढेर सारी नेकियां ले लो मतलब दिन में आप अल्लाह की खातिर रोजा रख रहे हैं और रात सारी अल्लाह तला ने एक आपको स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि आप अल्लाह सुमा तला अल्ला के करीब हो सकें जो मांगना है मांग सकें आपके सारे मसलों का हल नहीं है लोगों को परेशानी है किसी को कुछ चाहिए मिल नहीं रहा किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी को कोई बीमारी है कुछ उसके पास है जो उससे जिससे वो जान छुड़ाना चाह रहा है कोई बीमारी हो सकती है कोई चीज हो सकती है कोई प्रॉब्लम आई हुई तो दुआ करें अल्लाह ताला से या तो आपको पता हो कि ये ये मसला बिल अल्लाह के अलावा कोई और ज़्यादा हल कर सकती है तो ठीक है आप क्रिकेट खेल लें और बाद में अगेन क्रिकेट uh, खेलने के अगेंस्ट बात नहीं हो रही यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम एंड वॉट आर गेटिंग आउट ऑफ इट Hmm. जैसे अगेन आपने जिस तरह बात की कि वो आ, किसी और तरफ बात चली जाती है और नेबर्स को इवन जैसे आउट ऑफ कंट्री अगर नेबर्स हैं जहाँ पे सब इकट्ठे रह रहे हैं तो, तो हमें ना जीतना आता है ना हारना आता है hmm. हमें ये नहीं पता कि जीतने के बाद क्या hmm. करना है ना हमें पता है हारने के बाद hmm. क्या hmm. तो स्पोर्ट्स से एटलीस्ट so, so, ये सीख so. लें hmm. अगर कुछ भी नहीं सीख सकते ये सीख लें कि जीतना कैसे है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हारना कैसे है कि हम हारना सीखेंगे ना लाइफ में तो वापस उठना सीखेंगे वापिस जैसे पहला पॉइंट कि यू हैव सो मेनी चांसेस इन दिस लाइफ हर second, हर सेकंड मिनट आपको अल्लाह सुमा तला अल्ला ने ये चांस दिया कि आप अल्लाह के पास आ सकते हैं आप अल्लाह से तोबा कर सकते हैं सफार कर सकते हैं कुछ मांग सकते हैं दिन में कितनी कबूलियत की घड़ियां होती हैं कितनी और सुबह अल्लाह ना शुक्री का की इंतहा कि कोई अल्लाह तला फौरन देन एंड देर कोई दुआ कबूल कर यार कुछ और मांग लेता So, ये ये हाल है हमारा तो कुछ कुछ तो सीखें स्पोर्ट्स से देखें खेलें भी लेकिन कुछ सीखें कुछ हासिल करें उससे अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें अच्छा एक पॉइंट जो आपने मेंशन किया था शुरू में अबाउट स्पोर्ट्स uh, से हमें काफी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है लीडरशिप स्किल्स और काफी स्किल्स होती हैं जो हम टीम वर्क देखें इस्लाम आपको स्पोर्ट्स से या एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने से नहीं रोकता अनटिल वो शरिया से वो इस्लाम से कॉन्ट्रडिक्ट करे जैसे क्रिकेट देखना इन इट इज नॉट रॉन्ग एक तो हम बात करें आपने जो बात की वो खेलने की बात है लेकिन हमारी मोस्टली आवाम और हम लोग देखते हैं हम खुद जाके वो खेल नहीं रहे होते हम देख रहे होते हम कंज्यूम कर रहे होते हैं तो कंज्यूम करने में कोई मसला नहीं है लेकिन वही बात है प्रायोरिटाइज आप किस चीज़ को कर रहे हैं क्या वो कंज्यूम करते हुए वो क्रिकेट का मैच देखते हुए आपकी नमाजें जो हैं वो कज़ा हो रही हैं या आपकी नमाजें जो हैं वो डिले हो रही हैं इज इट वर्थ इट क्या आप म्यूजिक उसमें सुन रहे हैं क्या आप ऐसी ऐसे नामहरम को देख रहे हैं या आप ऐसी पिक्चर्स देख रहे हैं जो आप या, या एक ऐसे विजुअल्स देख रहे हैं जो आपको नहीं देखनी चाहिए तो इन चीज़ों पे हमें ज्यादा आई गेस इस्लामिकली इस पे पर हमें वो बात करनी चाहिए आई okay. थिंक बहुत कम लोग होंगे जो खुद जाके क्रिकेट खेलते होंगे या उस चीज को प्रैक्टिस हम ज्यादातर देखते हैं और फिर वही एक टॉक्सिक सा हमारा रिस्पांस होता है जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें जीतना भी नहीं आता हमें हारना भी नहीं आता तो हारते हैं तो हम अपनी टीम को बुरा भला कहते हैं सोशल मीडिया में उसके बाद दिनों तक उस पे मीम्स डिबेट्स और बैक एंड फोर्थ हो रही होती है फॉर नो रीज़न एक 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 लफ चीज में हम पड़ जाते हैं कभी-कभार ऐसा होता है कि कोई इशू

अजीब रवैया है यहाँ पे कि हवाई फायरिंग हो रही है बच्चे जख्मी हो रहे हैं लोगों को गोलियाँ लग रही हैं खुशी इजहार करने का तरीका आ, आपको एक टेम्पमेंट जो आपको एज ए नेशन होना चाहिए एक चीज को उसी कैटेगरी में लें जिस तरह से है अब वो ऐसा है जंग हो गया छुट्टियां हो रही हैं काम नहीं हो रहे लोग जो है चीज़ों को इग्नोर कर दे रहे हैं जैसे हम रहा फैमिली की प्रायोरिटीज इग्नोर हो रही हैं और इतना ग्लूड है टीवी के सामने आप खेलिए आप अगर आप hmm. आपकी जिंदगी में खाली यही चीजें आपकी एंटरटेनमेंट इफ यूनलीफ एंटरटेनमेंट सॉरी आप सिर्फ uh, तफरी हाँ में प्लस डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी है ना मतलब सिर्फ वो मैच का है, एक दो घंटे नहीं होते जो हम जो है वो वेस्ट करते हैं उसके बाद का टाइम उस पर डिस्कशन हो रही होती हैं दोस्तों के साथ बैठे तो मैच नेक्स्ट मैच के बारे में मतलब एक बहुत जो आपने कहा ना एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है दिनों तक वो डिस्ट्रैक्शन चलती है इज इट वर्थ इट मतलब ठीक है आप देखें जैसे लास्ट ओवर देखे मैंने मैंने कोई मैच अभी तक नहीं देखा अलहमद नहीं कह रहा कि गुनाह या एनीथिंग लेकिन मैंने पर्सनली नहीं देखा लेकिन हाँ मैं देख लेता हूँ इंडिया जीता पाकिस्तान जीता अफगानिस्तान जीत रहा पाकिस्तान जीत, रहे है, पाकिस्तान जीत रहे है बस एंड में देख ले think, नहीं, नहीं, में में दिस इज़ व्हाट आई थिंक पर्सनली तो 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 पाकिस्तान इतना कुछ नहीं, नहीं।, नहीं है। लेकिन, लेकिन, लेकिन।, लेकिन इंडिया तो देखिए वो तो पता नहीं हुआ वो न्यूज़ ये आय मिलकर बहुत बड़ी चीज है हम जो पॉलिटिक्स को जो है स्पोर्ट्स में जब इन्वॉल्व कर देते हैं यार वो एंटरटेनमेंट है आप देखें और एक अच्छे तरीके से देखें लाइटर नोट पे देखें हमारा क्या होता है हमारा रिएक्शन होता है हम उसको पौल... जैसे वो इंडिया में गालबन आपने शेयर की थी आई गेस एक वीडियो जिसमें वो एंकर था मुसलमान नमाज नहीं छोड़ता एन क्या क्या <laughs> वो बातें करे यार नमाज वैसे ही वो पढ़ता है वो इसलिए नहीं पढ़ रहा कि उसने इंडिया को हराया वो नमाज का टाइम था नमाज उसने पढ़ी तो बड़ा उसमें पॉलिटिक्स रिलीजन और सब चीज़ों को फिर स्पेशली तो जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है अच्छा वो उन्हें था जिका, जिका, एक पॉजिटिव साइड भी है कि इधर एक टीम का एक स्पिरिचुअल एलिमेंट बहुत अच्छी तरह बहुत अच्छी बात तो वो बैठ के उन्होंने शायद कोई इंडियन चैनल था उसकी क्लिप मैंने देखी तो वो बात कर रहे थे कि देखिए इनके स्पोर्ट्स मैन आते हैं और शुरू ही अल्लाह के नाम के साथ करते हैं और इनकी हर बात में अल्लाह का जिक्र आता है और ये जो है ना अब ये अब मुसलमान होना आ और उसके बाद पाकिस्तानी होना ये अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं फिर ये बात करते-करते और जब कश्मीर की बात आती है तो कश्मीर की बात पर बोलने पे झिझकते नहीं हैं आवर डीसी ने सुपरमैन की कोई एनिमेटेड वो की उसमें एक बात कह दी है कि जना कि ऑक्यूपाइड कश्मीर और नो मोर ऑफ सफरिंग वगैरह वगैरह बात की तो पूरा आर्टिकल उसके ऊपर की उन्होंने पूरे DC के को uh, को ही बैन uh, बैन करने की, बात कर दी, को कर दी दी प्रोडक्ट्स देखिए आप इतने अगर uh, की बात करते हैं और आप कहते हैं इट शुड बी वेलकमिंग टू हैव डिफरेंट व्यूज ट्रू अच्छा वो वाला वैसे, itself, एक अलग है किसी दिन के लिए के... इस तरह से डीसी ने पहले एक एक यूनिवर्स में सुपरमैन को जो है वो बाय कहा कि बाय कैरेक्टर दूसरे वाला एलिमेंट अब लोगों को नहीं पता कि दो डिफरेंट सुपरमैन तो डिस्टिंग बात बात कर ये टॉपिक हम बार बार इसलिए करते हैं uh, है और अभी भी रिसेंटली कुछ डिफेंस uh, के कुछ एरियाज में uh, बड़ी ही बदतमीजी वाला एक मामला हुआ है और जब पुलिस ने एक्शन लिया है कंप्लेन करने पे तो उन्होंने बड़ी ही अः और बेहाई का आ, बेसिक मुजाहरा किया है और आ, एक इशू है जिसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत अब, अब आपको पता होगा कि यू ने आ, वीजा पे जेंडर एक्स का एक या पाकिस्तान ने भी कुछ ड्रामा में जेंडर फ्लूडिटी पे जो है प्रोग्राम किया पीपल आर अप्रोडिंग इट एंड दिस इज नॉट आप जो मॉरालिटी का मैटर उठाते हैं जिस काम से तरक्की तरक्याफ्ता काम कह के, के उसको बेसिकली आप अपनी उसमें जिंदगी में लाना चाहते हैं जेंडर मतलब एक बंदा है लेकिन में अंदर से हुँ. लेकिन औरत है आ, मतलब ये वाली तो, like पूरा डिफरेंट टॉपिक है। है। जी जिस तरह अभी बात चल रही थी उस हिसाब से मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह पाकिस्तान है अफगानिस्तान है क्रिकेट की बात करें तो इसी तरह बांग्लादेश है तो उसकी एक अच्छी एक पिक्चर आई थी उसमें सारे तीनों जो टीम्स हैं वो जमात से पढ़े थे नमाज तो बता रहे थे कि इस तरह वट बेसिकली यूनाइट इस्लाम तो हम यानी वी आर अगर फैमिली और हम एक उम्मा हैं इट्स नॉट जस्ट अबाउट यानी एक नेशनल लेवल पे हम खेल रहे हैं

क्योंकि मैं फजर पे अपनी ब्लैंकेट उठा सकता हूँ <laughs> आप सकता क्या फजर पे अपनी ब्लैंकेट उठा लेते हैं बेशक आप <laughs> आपकी ब्लैंकेट नहीं उठती है uh -huh. ना आपसे यू यू एंड हमें ये बात देखने की जरूरत है देखिए uh, आप आपका uh, ऑब्जेक्टिव क्या है उसी से आपकी जिंदगी की प्रायरिटीज बनेगी अक्सरियत का कोई काम करना डज नॉट मेक समथिंग ओके और राइट हमारी एक uh, जिंदगी में एक प्रायोरिटी है हमें एज अ मुस्लिम है उस चीज़ को हम देखते हैं हमारा हर कदम uh, इस बात को होता है कि क्या इज इट गोइंग टू बी कैशल फॉर मी इन इन आखिर और नॉट और हम अपने वक्त को ऐसी चीज़ों में ज़ाया नहीं करते uh, जो इवेंचुअली हमें कोई रिटर्न नहीं दे एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है अपना टाइम आउट करिए अपने आप को रिजूवनेट कीजिए इसमें कोई हज नहीं है बट एट द सेम टाइम आप देखिए अपनी को इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं sure. अगर आपका पूरा अगर हफ्ता नॉन uh, प्रोडक्टिवली अगर एक टूर्नामेंट uh, में ऐसे गुजर जाए कि आप uh, पाबंदी से ट्रैवल होके भी जा रहे हैं एंड यू नो इट्स चॉइसेस बट ये कि आपकी uh, कोई और जिंदगी में वो नहीं मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ना हराम हलाल की परवाह करते हैं ना उनकी दीन की कोई प्रायोरिटी uh, होती है बस uh, खेल कूद है खेल कूद है एंड दैट्स द काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट दे हैव इन लाइफ देखिए जैसे नमाज की बात हुई कि वो क्लियर ने जो है वो ब्रेक के दौरान नमाज पढ़ी तो उसमें भी आप ये एलिमेंट पता चल रहा है ना कि जैसे नबी सलाम सलूंगे। आ, सलूंगे। की लाइफ से पता चलता है और आप सलाम का अपना कॉल भी है कि मैं अपनी फैमिली में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ तुम सब में सबसे अच्छा हो द बेस्ट पर्सन विद फैमिली मेंबर्स नबी सलाम थे लेकिन, is is the one the one वो एक वो और जिस तरह 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 अपने फैमिली साथ पेश आते थे 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 किस किस उनका ख्याल रखते टाइम स्पेंड करते थे, उनको देते थे। वो बात और जैसे ही अजान हुई तो वो ऐसे उनके साथ हो जाते जैसे जानते ही नहीं जानते ही नहीं प्रायोरिटी अल्लाह उनके लिए इतने

बात करने का अल्लाह शुक्र गुजारी करने के लिए जो मुझे मौका मिलता है है फॉर सवाल कि आप देखिए रसूल के लिए नमाज क्या अहमियत रखती थी सहाबा के लिए नमाज एक गिफ्ट की मायने थी हमारे लिए सिर्फ एक फराइज को अदा करने का मामला होती है और रसूल कहते हैं कि नमाज के लिए लुक फॉर्ड करें बिल अजान देके के हमें राहत दीजिए मीनिंग

एंड सोचें कि आपको एक मौका मिल रहा है उससे बात करने का आप क्या करेंगे कितनी एफर्ट करेंगे कितनी मेहनत करेंगे कितनी तैयारी करेंगे और उस उस मौके को दोबारा हासिल करने के लिए आप क्या कुछ न कुछ करने के लिए तैयार होंगे और हमारी सबसे मुखलस मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटी अल्लाह की ज़ात से बात करने का हमें पांच दफा तो मिनिमम मौका मिल रहा है दिन में उसके अलावा भी कई मौके हैं तो क्या वो अल्लाह सुबह की पर्सनैलिटी हमारे लिए इतनी फेवरेट है क्या हम चाहते हैं कि हम नाइट पैकेज तो करवा लेते हैं और अब तो व्हाट्सअप की वैसे जरूरत भी नहीं है लेकिन वो एक नाइट पैकेज अल्लाह ने भी तो आपको दिया हुआ है और वो ऑटो रिफ्रेश होता है आप करवाते थे नाइट हम व्हाट्सएप वाले सब मेरा थैंक यार तो वो 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 भी तो एक नाइट पैकेज है ना हम्म वो भी हर रात का पैकेज है इट्स नॉट जस्ट फॉर रमदान ओनली वो तो हम जाग ही रहे होते हैं तो हम कहते हैं चलो पढ़ लें लगी तौफीक से तो वो वो भी तो एक मौका है अपने बिलव्ड से बात करने का और और जो बिलव्ड खुद अपनी शान के मुताबिक आखरी आसमान पर आए आपसे मिलने के लिए और, और आपको आप बुला भी रहे हैं क्रिकेट देख के जो ना था मैं यार मतलब जो है थोड़ी सी जरा नींद अल्लाह सब सबको तोफी दे आमें। 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 ऐसा ना हो कि हम कुछ बात बोल रहे हो अल्लाह तला के बाद भी हम सब ये ये हमारे लिए खुद के लिए भी रिमाइंडर है तो हम, हम आप अपने आप को रिमाइंड और मैं अपने में कि मैं जितनी बातें कर रहा हूं उनमें से खुद कितनी पे अमल करता हूं और अल्लाह से दुआ करूं कि अल्लाह ताला मुझे भी तोफी भी दें इस्तमत भी दें और हम सब देखने सुनने वालों को भी दूसरा इसमें हम अगर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं किसी भी स्पोर्ट में सिंगल स्पोर्ट्स भी टेनिस है एथलेटिक्स में बहुत सारी स्पोर्ट्स है स्विमिंग है तो मेरा जैसे फिटनेस की बात हुई ब्रदर हसन ने बात की तो अगर मेरी नीयत इसमें ना आपकी बड़ी गेम चेंजर है नियत। आमाल का नियत पर है तो नियत गेम चेंजर है। आप घर बना रहे हैं उसमें जी वेस्ट ओपन होना चाहिए यहाँ पे खिड़की होगी इससे रोशनी आएगी हवा आएगी आपने सिर्फ नीयत ऐड करनी है कि इससे आवाजान की आवाज भी आएगी वो खिड़की रहे ना रहे खुली हो बंद हो उधर उस वक्त अजान की आवाज़ आ रही हो ना आ रही हो आप हो ना हो घर कराए पे आपको इनश्ला उस नीयत का जवाब आप नीयत करके कि मैं एक अल्लाह का पसंदीदा बंदा जैसे कि हदीस में है कि एक हेल्दी बिलीवर अल्लाह को एक नॉन हेल्दी बिलीवर ज्यादा पसंद तो मैं अल्लाह का ज्यादा पसंदीदा हो सकता हूँ अगर मैं तो 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 फिर नीयत ये कि मैं अपने आप को इस तरह फिट करूँ कि मैं अल्लाह की इबादात को बेहतर तरीके से अदा कर सकूं जिसमें मेरा अल्टीमेट गोल हम हम जितने देखने सुनने वाले हमारी चाहत है या नहीं कि हम हज करें तैयारी तो की हम, हम तैयारी करते हैं अल्लाह से दुआ कितनी करते है आपको चाहत मजे कितनी मजे होती है याद आ गया मुझे सही तरह से कोट कर रहा हूँ की मदीना में एक बुरी औरत थी उसका घर ऊंचाई की तरफ था और बिलाल रद्ला उस पर चढ़ के अजान देते थे और वो कहती हैं कि मैंने जितनी दफा बिलाल को देखा अजान से पहले बैठ कर अपने आप को रिमाइंड कराते थे अल्लाह सुबहाना तला की ग्रेटनेस कि बिलाल तुझे अल्लाह ताला ने तोीक दी है तू इस्लाम से पहले तू क्या था अल्लाह सुबहाना ने तुझे आजादी दी अल्लाह सुबह ने तुझे इन चीज़ों के बारे में कि तुझे ये मौका मिल रहा है कि तू अल्लाह सुबहाना की बड़ाई बयान कर ये अल्लाह ताला की तौफीक है बोलते हैं मैं जब मैं जब अल्लाह भी उनको अजान देते हुए तो बिलाल बिलो को मैं ये बात करते हुए देखू उनकी आवाज आए तो आप देखिए ये सहाबा की बेसिक इंटेंशन सहाबा की बेसिक आ, सोच सहाबा की बेसिक ऑब्जेक्टिव के कोलाड़ी से अगर कोई लकड़ी काट रहे हैं और अल्लाह अकबर की आवाज़ें दो नहीं आ, दिस स्ट्राइक इज़ नॉट गोइंग टू बी वर्थ इट सो so, जब एक कोलाड़ी की एक वार आपके लिए उस काबिल कबूल नहीं है आपके लिए उस फायदेमंद नहीं है और जिस दीन ने आपको एक विजन दिया है एक मिशन दिया है एक ऑब्जेक्टिव दिया है वो उम्मत फजूलियात में अपने आप को तफरी के नाम पर इतना आगे एक्सट्रीम पे एक्सटेंड पे ले जाए कि एक्सप्लूसली नम हो के फिर उसके लिए नॉर्मलाइज हो जाए वो चीज़ एंड आई होप मैं अपनी बात को कहना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ मामला है अपनी लाभ और लाभ में फ़र्क कीजिए कि स्पोर्ट्स हेल्दी लाइफ स्टाइल रिफ्रेशिंग और एक चीज़ है जिसमें आप बहुत ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं इवेंचुअली कुछ नहीं हुआ हुआ इसके बाद क्या आपने बोला बात जीत गए दस साल के बाद हमें जो है मौका मिला है कि हमने हरा दिया है अब हम जवाब दे सकते हैं हैं ऑनलाइन जाके लोग बहस कर रहे वो व्हाट वी टॉकिंग उस 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 दौरान भी आप आप मैंने कभी इतनी शिद्दत से अपनी हिदायत के लिए अपनी कामयाबी के लिए अपने किसी फायदे के लिए अल्लाह से उस शिद्दत के साथ उस इंटेंसिटी के साथ अल्लाह से दुआ की है जितनी शिद्दत के साथ मैं दुआ करो से मैच जीत जाए मैंने किसी से पूछा है कभी की है दुआ कभी की, की है की होगी चलें की होगी लेकिन वो वो इंटेंसिटी अगर है तो कोई बात बन सकती है ना दिल से दुआ निकले तो असर रखती है ताकत नहीं पर नहीं ताकत है परवाज मगर रखती तो मैंने किसी से सुना वो रमजान में कोई मैच चल रहा था और वो आखिरी लाइक चांद रात थी एंड मी के मैं एहतिकाब से उठा और मैं देखा मैं पहली चीज़ मैंने देखी कि मैच चल रहा है और मैंने निकलने के बाद पहली दुआ ये ठीक है अच्छी बात है लेकिन क्या वो वो मौका था ना आपके लिए hmm. उस मौके पे अच्छा एक और बात हम बड़ी कोशिश करते हैं कि हमें कबूलियत का वक्त पता चल जाए और जब अल्लाह सुब्हानु व हमें वो एक हिंट दे देते हैं जो मैंने दुआ मांगी वो फौरन कबूल हो गई तो बजाय इसके कि मैं कहूँ कुछ और मांग लेता इट्स एन इंडिकेशन कि यार ये कबूलियत का वक्त था मांगो मांग लो कुछ और मांगना है और सबसे बेहतरीन दुआ क्या मांग सकते हैं ये अल्लाह मुझे माफ कर दे ये मुझे अपना पसंदीदा बंदा बना दे इफ नथिंग एल्स नथिंग एल्स ये अल्लाह मुझे जन्नती बना दे इट्स 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 वन वर्ड इट्स इट्स वन लाइनर अल्लाह ताला आपको जन्नत ही बनाए वो पिछली सारी चीजें पूरी हो ये अल्लाह मुझसे राजी हो जाए तो वो कबूलियत के वक्त अगर हमें कभी मिलते भी हैं दुआ करने के बाद तो हमारा हाल क्या है ना शुक्री का यार कुछ और मांग लेता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हसन उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रसूल अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा कि आप नमाज में क्या मांगते हैं तो वो समझे कि शायद उन वोला नहीं मैं आपकी तरह और उनकी तरह लंबी लंबी दुआएं नहीं कर सकता लेकिन मेरी जो एक दुआ है कि ये अल्लाह जन्नता जन्नत अल्लाह मैं आपसे जन्नत का सवाल करता हूँ और जहन्नम से पना मांगता हूँ तो रसूल के इट? ये तो सारी दुआओं का जो मजमुआ है वो यही है कि अल्लाह मैं तेरे से सवाल करता हूँ जन्नत का और जहनम की आँख से पना मांगता हूँ पूरी दुआओं का मजमु यही है

कभी आखरत या, आप नहीं, नहीं, मुझे मुझे मुझे, मुझे <laughs> काबे के सामने खड़े हो <laughs> गए जन, <laughs> पैसे मांग रहा काबे के सामने खड़ा हुआ ठीक है पैसे भी मिल जाएंगे लेकिन जन्नत मांग भाई यहाँ पे मांगने वाली क्या चीज बात वो गई ना कि आपको प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया आपसे पूछा कि जाना की ठीक है आपका वो नहीं रहा तो क्या कहते हैं आप आ, क्या चाहेंगे क्या मांगना चाहेंगे बोलते हैं सर वो दूसरी सेक्शन में एक लड़की है मैं उससे बात करना चाहूंगा बोला यार मैं तुम्हें ग्रेजुएशन की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं तुम तो वो वो भी कर सकते तुमने एक फजूल चीज मांगी तुमने बोला कि बस प्रिंसिपल मुझे पकड़िएगा नहीं बस मुझे ये वाली अपॉर्चुनिटी दीजिए भाई तुम बोलो मुझे सारे कोर्सेस में पास कर दे मुझे डिग्री दे दे मुझे वो कर दे जो मांगने वाली वक्त पे जो मांगने वाली चीज है वो फजूल की चीज मांग रहे काबे के सामने खड़े होकर जन्नत मांग रही है वो, वो, वो अटारी दे दीजिए जिसके गांव के पुराने पच्चीस साल पुराना कंडीशनिंग एक छोटी सी बात मैं वो करूंगा अगेन वही बात है कंडीशनिंग हमारी ऐसी हुई भी है वो एक किस्सा है ना कि एक बंदा होता है उसे किस्सा है तो उसको हकीकत मत समझिएगा आ, नहीं, भी आपकी ले, <laughs> मैं ले? हकीकत मैं का। तो, आ, उसमें उसको उसको एक जिन्ह मिल जाता है और वो से बोलता है कि तीन जो जो विशेष हैं बताओ मुझे तो वो कहता है पहले एक बड़ा सा बंगला बनाओ और फिर इसमें एक बहुत अमीर फैमिली रख दो और उसको बहुत ज्यादा गाड़िया सब कुछ दो और इस पर एक सर्वेंट क्वार्टर बना और इस पर मुझे जॉब दिला दो तो उसकी कंडीशनिंग मतलब उस, उसका एक्सपोज उसको पता ही नहीं है जन्नत की है उस बंदे को जहां तक उसकी सोच जाती है जहां तक उसको बताया गया है वो वहीं तक सोच रहे तो हम वो जन्नत को सोचते ही नहीं है। इसकी मिसाल वैसी है ना कि जैसे हम आपको बोलते हैं कि या अल्लाह जरेन

जिस तरह पहले बात हो रही थी क्लोजिंग uh, रिमार्क्स के तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी आप अमल कर रहे हैं उससे पहले जिस तरह ने भी किया, देखें कि क्या है आपकी और इसी तरह मैं किसी एक शेख का सुन रहा था तो वही कह रहे थे कि आप अः लट से कोई भी आप काम करते हैं डेली लाइफ में आप अगर खाना भी खाते हैं या इवन uh, आप सोने जाते हैं तो उससे पहले अगर आप इंटेंशन ये कर लें कि यार मैं जिस करने जा रहा हूं मतलब जो हर आम आदमी सोचता है इस तरह तो दैट्स अ कंप्लीट वेस्ट यानी आपने कोई फ़ायदा इसमें प्रॉफिट नहीं है इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली नेकी की बात कर रहे हैं अगर आप ये सोच के सोच रहे हैं जिस तरह बासिमान ने भी हाईलाइट किया कि आप बोले यार मैं आ, मैं अपनी करूंगा अपनी रिस्टोर करूंगा एनर्जी ऑफ मैं जब उठूंगा तो इबादत करूंगा अल्लाह तला का जिक्र करूंगा तो दैट होल स्लीप यानी सिक्स आवर्स सेवन आवर्स तो वो सब इबादत में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसी तरह साहबा के भी क्या थे साहबा के बहुत ज्यादा ऑब्वियसली हम उनके लेवल पे नहीं पहुंच सकते लेकिन दे टू तो डू इसके, आ, कोई भी अमल कर रहे हैं उससे पहले मल्टीपल इंटेंशन करते थे जिस तरह कुरान पढ़ना है उससे पहले ये इंटेंशन करते थे इट विल बी फॉर्म ऑफ ऑफ ऑन द डे जजमेंट हर एक लफ्ज पढ़ने पे दस दस नीकियाँ हैं और डिफरेंट जो है इस तरह के फजाइल जो है वो रिकॉल करते थे तो उससे वो जो उनका पढ़ना था उसके रिवॉर्ड बहुत ज्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसी तरह अपने यानी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें उससे पहले आपकी इंटेंशन हो कि हम इनशाला दीन का काम करेंगे जिस किस्म का भी आप है वो रिन्यू कर लें और फिटनेस की जहां तक बात है उसमें आ, आप बैलेंस की तरफ जाए कोई भी यानी किसी भी किस्म की एक्टिविटी हो लाइफ में उसमें आप बैलेंस की तरफ जाएं इस्लाम हमेशा मियाना रवि की बात करता है इतना एक्सेसिव भी ना हो जाए कि आप बस ऑब्सेसिव हो जाए उस चीज़ के बारे में यानी पूरा दिन ही लगे रहें ऐसा भी ना हो बैलेंस हो और जैसे हमने पहले बात की जरिए ने भी हाईलाइट किया था कि यानी आप जो फिजिकली फिट होते हैं तो आप आपको सेल्फ कंट्रोल आता है अपने ऊपर आप गुनाहों से बच सकते हैं अपने डिजायर्स टमटेशन पे भी आप काबू पा सकते हैं पॉसिबल अगर आप फिज़िकली फिट हों और

तो आप उसको देखें जैसे हम कौन सा प्लेयर पहले भेजना है कौन सा बाद में भेजना है और आ, किस तरह स्ट्रेटेजी बनानी है किस बॉलर को पहले भेजना है किस बैट्समैन को पहले भेजना है टेस्ट क्रिकेट होता है तो उसमें एक नाइट वॉचमैन आता है कि वो आ, एक टेल एंडर्स में से किसी को भेज देते हैं कि वो एक इंपॉर्टेंट विकेट ना जाए और वो जस्ट जो है वो डिक्लेयर होने तक या डे ऑफ होने तक वो विकेट रोक लें थिंग्स लेक ये प्लानिंग है ना सारी डिफरेंट स्पोर्ट्स के क्रिकेट की ज्यादा बात करें तो दीन में दुनिया में हम इस्लाम को इम्प्लीमेंट करते हुए अपने दीन को इम्प्लीमेंट करते क्या प्लानिंग करते हैं क्या आख़रत हमारी प्लानिंग में होती है हमारा अल्टीमेट गोल स्पोर्ट्स में अल्टीमेट गोल क्या है जीतना तो दुनिया में भी अल्लाह ने भेजा है एक मकसद से भेजा है तो यहाँ पर भी कोई अल्टीमेट गोल जीतना है और वो जीत क्या है वो 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 प्राइज़ क्या है वो ट्रॉफ़ी क्या है जन्ना जन्नत में दाखिल हो जाए और फिर वो वो एंड नहीं है थोड़ा सोच के देखें वो जन्नत में दाखिल होना भी एंड नहीं है जब लोग मशहूल हो जाएंगे जन्नत की नेमतों के अंदर और लोग भूल जाएंगे जो जिनके साथ जो जहनुम में जाने थे अल्लाह तला में उनसे महफूज रखे जो जन्नत में जाने थे अल्लाह उनमें शामिल फरमाए सबका जब अपनी अपनी जगह पर, पर सेटल डाउन हो जाएंगे एंड अल्लाह अभी स्टिल एक अल्टीमेट रिवॉर्ड बाकी है और वो अल्लाह सुबह तला की अपनी ज़ात है मुबार का अल्लाह का दीदार कौन हाँ मैं आई ऑलवेज ट्रेम्बल टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक कि यहाँ मतलब इवन जन्नत भी नहीं उसमें भी जन्नतुल फिरदौस मांगनी है मतलब जैसे हम है ना जैसे चलो आई डोंट नो किसको मैं रिलेट कर सकता नहीं यहाँ पे आके ना ये वो टॉपिक है जहाँ मैं थोड़ा शेकी हो जाता जैसे अभी आ, हमने जीतना है और फिर पे, पे भी आना है। सिर्फ जीतना नहीं है फलाना उससे आंधी आ जाए और उनकी बस खाई में गिर जाए और ये हो जाए तो हम अगले राउंड में चले जाएंगे तो वो हमारा यहाँ पे भी यही हाल है और आखिरत की प्लानिंग करते हुए भी यही हाल है कि वो, वो उसकी दुआएं लग जाए और उससे ये हो जाए और फलाना मैं सदका दे दू अमाल अच्छे करें अपनी कोई प्लानिंग करें अपने आप को ऐसा बंदा बनाए दीन की तालीम हासिल करें दूसरों तक पहुंचाएं कि कुछ ऐसे अमाल अल्लाह की तौफीक से लेकर जाएं अल्लाह के पास कि जिन पे कोई अल्लाह से मिन्नतें तो कर सकें कोई अल्लाह के आगे कोई इल्तिजा तो कर सकें कि अल्लाह इन इन आमाल पे नहीं अपनी रहमत पे जो है वो हमें आगे पहुंचा ले कुछ हो तो सही बार्गेनिंग चिप के तौर पर देने के लिए तो स्पोर्ट्स uh, से जो हमने डिफरेंट चीजें सीखी हैं अपने फायदे के लिए उसमें एक प्लानिंग भी है और जैसे उसके अंदर अंदर हम प्लानिंग प्लानिंग करते करते हैं हैं दुनिया के अंदर करते हैं बहुत सी चीजों की हर दिन हर चीज के लिए तो ये जो जिंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह का इतना बड़ा तोहफा वक्त की फॉर्म में इसकी भी प्लानिंग करें दुनिया की कामयाबी के लिए भी और इंशाल्लाह आखिरत की कामयाबी के लिए ब्यूटीफुल सेट से, से, जी हसन क्या क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे आपके मेरे तो हो गया

दुआ है जिस तरह आपने भी वो बताया कि दुनिया भी अच्छी हो आखिरत भी अच्छी हो। मुझे एक जो याद आ गया एक शख्स था उसकी एक बीवी का नाम था हसना और दूसरी बीवी का नाम था जना शकीला तो अब वो जब रुकन यमिनी की तरफ जाए तो बीवी के साथ है तो बोले कि रब ना आते ना फिर दुनिया हसना फिल आखिर हसना ठीक है वापस से आए रब बना ना फिर दुनिया हसना फिलहाल वो दूसरी हर बात पे हसना को क्यों मांग रहे हैं क्योंकि बात तो दूसरी का नाम हंसना था तो उन्होंने एक मिनट सोल्व करनी है ठीक है, है। वो आया तो उन्होंने बोला ठीक है अगली दफा तुमने तो रब बना आतना सकीना फिर दुनिया

अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करें कि क्या चीज़ें हैं जो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जैसे हम लाइफ में अपनी करियर में चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में दुनियावी जिंदगी के लिए चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं कितना टाइम मैंने ये करना है इसी तरह आप अपने विजन एक विजन बनाएं और फिर उसमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें कि आपकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अल्लाह कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए दीन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बाकी स्पोर्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए और फिर उस हिसाब से आप जाए देखें अगेन वही वाली बात है कि इस्लाम आपको स्पोर्ट्स कंज्यूम करने से नहीं रोकता लेकिन जब हम ये करते हैं कि हम कंज्यूम करते हैं और हम अल्लाह सुबहाना तक प्रायोरिटी जो है वो चेंज कर लेते हैं स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी बना लेते हैं ओवर दीन ऑफ अल्लाह सुबहाना तौला इबादतों के बजाय हम जैसे बड़ी अच्छी उन्होंने बासमी ने बात की कि हम जिस तरह

मेन कैरेक्टर होता है वी आर लाइक हाँ यार ये बहुत अच्छा एक्टर है एंड आई लाइक हम लेवल हम पे उसको ले, सब हैं। ला उसको आइडियलाइज कर कर हैं होते नहीं <laughs> <यार> सवाल <ला। laughs> इसी तरह हम क्रिकेटर्स को देखते हैं बहुत अच्छी बात है वो नमाज पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है वो अल्लाह की बातें कर रहे हैं लेकिन उनको आप देखें क्या वो रोल मॉडल हैं आपके या रोल मतलब हम अगेन बार बार रोल मॉडल्स की बात करते हैं कि हमारे रोल मॉडल्स एथलीट्स नहीं होते हमारे रोल मॉडल वो होते हैं जो दीन साहबा हमारे रोल मॉडल से हैं। जो हमें एक अल्टीमेट गोल की तरफ हमें बताएं कि किस तरह जाना है दैट दैट इज इट अह जी हम इख्तिताम की तरफ पहुंच रहे हैं प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी हेड जब रिटायर हुआ यूएस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं यूएस प्रेसिडेंट सिक्योरिटी हेड जब रिटायर हुआ तो उसको स्पोर्ट्स सिक्योरिटी हेड बना दिया ऑफ़ अमेरिकन फुटबॉल तो कुछ लोगों ने इंटरव्यू में कहा कि इट्स ब्रेडी स्ट्रेंज बड़ी अजीब सी बात है कि आप कहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी हेड थे और अब जो है आप एक स्पोर्ट्स uh, के सिक्योरिटी हैड uh, बने हुए हैं तो सवाल इसमें अजीब सी क्या बात है मैंने कसम उठाई थी टू प्रोटेक्ट दमेरिकन कल्चर एंड अमेरिकन फुटबॉल इज़ आवर कल्चर

या आपके दिन का शायद टू परसेंट रिक्वायर्ड था लेकिन आपने उसको सिक्सटी परसेंट देना शुरू कर दिया इवेंचुअली वो आपकी बाकी प्रायरिटी प्रायोरिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दे और इसीलिए हम जिंदगी में आ, कोई भी काम करते हैं तो हम एक मकसद की बिना पर करते हैं और मुसलमान को जो विजन दिया गया है वो विजन उसको हमेशा आगे और दूर की तरफ देखने पर मजबूर करता है इसीलिए अल्लाह सुबहाना उतारा जब कुरान में मिसाल देते हैं जो बैल बकरी भेड़ी इन सब की तो अल्लाह दार कहते हैं कि ये अनाम की तरह हैं जो कुफार हैं जो डिसबिलीवर्स हैं ये अनाम की तरह हैं इनकी जो नज़र है वो ज़मीन पे ही होती है क्योंकि इनका सिर्फ ज़िंदगी का मकसद है खाना है और उनका पीना और दुनिया की तरफ उनकी नज़र झुकी हुई होती है और आप देखिए इनाम जो है ना बेसिकली बस वो इन्वॉल्व भी होते हैं घास खाने में नीचे की तरफ उनकी होती है लेकिन जो मोमिन होता है ना उसकी नजर सामने होती है उसका विजन क्लियर होता है वो सामने देखता है वो दूर देखता है उसको पता होता है कि मैंने दुनिया से आगे जिंदगी के लिए काम करना है और वो उस वक्त के लिए अपने आप को नहीं वेट करता जब उसको कब्र में उतारा जा रहा होता है वो उस अमल के लिए पहले इन्वेस्ट करता है उसको पता है कि मेरा यकीन ही मेरे अमल के अंदर फर्क करेगा और आप उसी अमल में इन्वॉल्व होते हैं जिसका अंदर आपको यकीन होता है दुनिया से फायदा उठाइए दुनिया की चीज़ों में अपनी तफ्रीत और आ, अपने आप को फ़्रेश करने के लिए चीज़ों में इन्वॉल्व हुई रिजुवनेट करने के लिए आ, तफरीहात में आइए लेकिन वो तफरीहात आपको आपके दीन की तरफ आ, से दूर ले जाने के बायस न बने आपको अपने असल विजन और मिशन से दूर ले जाने के लिए आपको ना नुक़सान हो इसीलिए अल्लाह दुआ है कि अल्लाह सुबाणा ताली हमें आ, सच्ची बात करने वाला बनाए सिद्दीकीन में शामिल रखे और हमें साल में शामिल रखे अल्लाह सुबहाना ताल हमें बामल ममिन में शामिल रखे और अल्लाह ताली हमारे अमाल को कबूल भी करे अल्लाह ताल हमें अखलास अता करे और अल्लाह सुबहाना वाली हमें उन लोगों में शामिल रखे जो कभी भी दुनिया की भाग दौड़ और तेज़ हवा की वजह से अपनी जगह से नहीं हिलते हम एक मोमिन की मिसाल उस पौधे की मान्य है कि वो फ्लैक्सीबल होता है लेकिन अपनी रूट्स में बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन मुनाफे बहुत बहुत सख्त और स्टिफ होता है कि हवा आती है तो उखाड़ देती है उसको लेकिन वो मोमेंट शायद आगे पीछे होता है लेकिन अपनी रूट्स बहुत स्ट्रांग होता है और अल्लाह ताला हमें दूसरों को भी राह रास् पे लाने वाला हिदायत का ज़रिया बेहद हिदायत पर लाने वाला बनाए अल्ला। और अल्लाह ताला हमें अपनी बात को और हमारे अमाल को कॉन्ट्रडिक्शन से बचाए और अल्लाह ताली हमें हमारे दिलों को साफ करें नफाक से और हमारे अमाल को पाक करें रिया से और हमारी आँखों को ख़यानत से और हमारे जबानों को जो है झूठ से अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुबा तआला हमारी इन तमाम खुशिशों को कबूल करे और अल्लाह सुबाना तआला हमें अल्लाह सुबाना तआला के मुजाहिदीन में शामिल रखे अल्लाह तआला के जुनूद में शामिल रखे जो अल्लाह के लिए जो बेहतरीन तरीके से दीन की अपराइजिंग के लिए और दीन की बुलंदी के लिए काम करें अल्लाह ताला की जो बात है उसको सर बुलंद करने के लिए जो लगे हुए हैं क्योंकि आई एन डेड एंड डे एज अ बिलीवर मेरा मकसद आपका मकसद क्या है कि अल्लाह का खाली दावा नहीं अल्लाह का नाम इस पूरे जो सोसाइटी में है पूरी दुनिया में जो है और आने वाली इसमें अल्लाह का नाम बढ़ा रहा है क्योंकि अल्लाह से वाता सिर्फ अपनी जात में तो बड़ा है लेकिन हमने अल्लाह ताला की बात को भी बड़ा करना है और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है अल्लाह साल की सरबुल्ला सुमा ताला की दीन की सर बुलंदी मेरा मकसद है और इसको बेहतरीन तरीके से लोगों के अंदर दीन की मोहब्बत को उजागर करना इसके साथ हिमत के साथ इन शाला तला नेक्स्ट फ्राइडे नाइट शो में मुलाकात होती है अपना खास ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा टैन असल वरि वाल